तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ईडी लगातार नोटिस पर नोटिस दे रही थी और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे थे, बार बार ऐसे बयान आ रहे थे जैसे लगता था कि वो भारत में नहीं है, श्रीलंका में है या बांग्लादेश में है या म्यांमार में है, लगता था कि उन पर देश का कानून नहीं लागू होता है, केजरीवाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारत के संविधान और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आप भले आरोप लगाएं कि संस्थाओं के ऊपर लगाएं, ये आपका अधिकार है, लगाते रहिए, लेकिन आपको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा और देश की के अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं वो संविधान से ही पोषित हैं, उसी से गवर्न हो रही हैं। और जिस तरीके से केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने हल्के ढंग से लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, करेगा जो करना होगा। अच्छा, इस घोटाले की नीति को मंत्री आतिशी ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया इस पर भी उनका सवाल खड़ा हो रहा है। और लगातार ये भी कह रही हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ईडी और सीबीआई के दम पर जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और इस प्रकरण में शायद 10 या 11 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में जिसके साथ भी होता है तो यही कहता है, लेकिन तकलीफ ये है कि यह अन्ना आंदोलन से पैदा हुए, अन्ना आंदोलन से पैदा हुए और एकदम ईमानदारी की ताबूत है, तो कम से कम इनको सम्मान करना चाहिए था, कोर्ट का, जांच की एजेंसियों का इनका सम्मान करना चाहिए था। और बाकी जो फैसला करेगा कोर्ट करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।